नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन में। और ये वीडियो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, पॉलिटी के जो भी हमारे अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्मी, जीडी या और भी वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो ये उनकी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसमें आपके लगभग 70 से 75 क्वेश्चन होंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्मी जीडी, एसएससी जीडी, रेलवे, जो भी एग्जाम है, यूपीपी, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग एक बार कंफर्म करके बता दीजिए भाई कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, फटाफट बता दीजिए भाई। कोमल संधू जय हिंद, पुरुषोत्तम सिंह जय हिंद, द इंडियन डिफेंस एकेडमी जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद सर जी। अभिषेक पाल राम राम गुरु जी भाई, राम राम। पंकज तिवारी राम राम कह रहे हैं, जसवंत गोलिया राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम, जय हिंद सर, जय हिंद। सभी लोग बता दिए भाई आवाज आ रही है ना क्लियर। और देखिए मैंने कोशिश करी है कि जो फॉन्ट वगैरह है ये सब बहुत अच्छे से हो, जो कि कर भी दिया गया है, ठीक है। आप सभी लोग बताइए भाई फटाफट आवाज आ रही है ना, एक बार यस करके बता दीजिए आ रही है। चलिए तो भाई हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो भाई बताइए फटाफट कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चंस को बहुत तेजी में करेंगे, जल्दी करेंगे, क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आंसर देखने हैं, ठीक है। इसलिए शैलेन मौर्य जय हिंद भाई, पुरुषोत्तम जी गुरु जी, मोहित शर्मा कह रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड वालों का क्या रहेगा, क्या क्या का क्या रहेगा सर। बेटा अभी इसका कोई ऑफिशियल इन्होंने दिया नहीं है, जैसे ही आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो बता दिए भाई फटाफट क्या होगा राइट आंसर। कोमल संधू का आंसर आ गया है बी, निखिल पटेल का आ गया है भाई जय हिंद कह रहे हैं भाई। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए भाई, दबा करके सभी लोग शेयर कर, सिर्फ इतने कम लोग भाई, इतने कम लोग तो भाई मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा। अगर इतने कम लोग रहेंगे लाइव में तो भाई मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं। फटाफट दो भाई क्या होगा। एफ के भाईजान का गया है 26 नवंबर, ऑप्शन 3। भाई संविधान सभा की स्थापना पूछ रहा है, संविधान सभा की स्थापना क्या होगा फटाफट बता दीजिए भाई। देखो संविधान सभा की स्थापना हुई थी भैया जिस, ये हमारी पहली जो बैठक हुई थी उसको ही हम मानते हैं, 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन हमारी हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। और दूसरी कब हुई थी, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, बनकर तैयार हुआ था। दिख रहा है सभी को। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, थोड़ा सा इसकी मोटा कर लेते हैं पेन को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। पंकज तिवारी भाई राम राम कह रहे हैं भाई, राम राम सभी को, राम राम। फटाफट बता दो भाई आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो। जय हिंद पूजा गुप्ता, जय हिंद भाई, राम राम गुरु जी भाई। देखो ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं, इनका लेवल मैंने बहुत टफ नहीं रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन ही रखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फटाफट इनको देखेंगे और अपना रिवीजन करते चलेंगे। और गारंटी है यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 17 अप्रैल तो फिक्स है, आना ही आना है, उसके अलावा जो भी एग्जाम है वहां पर तो तय है। कोमल संधू का आ गया है आंसर 2 का ए, पंकज तिवारी का 2 का ए यानी आंसर दे रहे हैं लोग, सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्षता। भाई देखो बस क्वेश्चन का फेर कर दिया सर, मैं शेयर कर दिया हूं लेकिन 20 हो गए हैं, ठीक है भाई, जो लोग हैं वो पढ़ लें, बस वीडियो को शेयर करते रहिए, इतने कम लोग हैं। पूजा गुप्ता का आंसर आ गया है ए, पूजा गुप्ता का आंसर ए है, कोमल संधू का ए है। देखिए भाई यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता,
तो भैया वो हमारा जो है, ये हमारे जो अध्यक्ष साहब थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा साहब, इनका है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। अस्थाई अध्यक्ष, स्थाई नहीं पूछ रहा है, अस्थाई पूछ रहा है। बी आर अंबेडकर नहीं, टेम्परेरी जो होंगे, अस्थाई जिसे कहेंगे। तो कौन है, बी आर अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी, क्या होगा राइट आंसर बताइए भाई, फटाफट बताइए कमेंट में क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बता दो भाई आपका। जी सही था, बिल्कुल आपका सही था, ऑप्शन बी आ गया है, पुरुषोत्तम सिंह का। कोमल संधू का सी है भाई, पूजा गुप्ता का सी है, पूजा गुप्ता का सी है, नेहा सिंह का भी आंसर सी आ गया है। फटाफट बताते चलिए भाई, तीन होगा क्या सर। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, पंकज तिवारी का सी, सभी लोग आंसर दिए। जी हाँ सी बिल्कुल सही जवाब है। अस्थाई अध्यक्ष हमारे कौन थे, ये हमारे थे सच्चिदानंद सिन्हा सर। ठीक है, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। तो भाई अभी अगला क्वेश्चन बताते हैं भाई कि हमारे स्थायी सदस्य कौन थे। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई फटाफट। ठीक है, मैराथन का मतलब, मैराथन दुनिया कराती है कि भाई 3 घंटे में पता नहीं कितना कहो 50 क्वेश्चन कराए, हम अभी 1 घंटे में 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करवाएंगे, फटाफट चलते रहेंगे। ठीक है, और रिलेटेड चीजें भी बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी क्या था, अस्थायी पूछा था, अस्थायी ध्यान से देखिएगा, उच्चारण सही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है, स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी में कौन है, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सज्जन सिन्हा या के एम मुंशी, क्या होगा राइट आंसर बताइए भाई। क्या होगा भाई राइट आंसर बता दीजिए फटाफट। स्थायी अध्यक्ष, बताइए फटाफट क्या होगा, ए बी सी डी, बी आर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी। ऑप्शन बी आ रहा है भाई सभी का, इसका आंसर आ गया है भाई। देखते हैं, हरिओम धाकर कह रहे हैं एएमडी के क्वेश्चन बताओ भैया, ये एएमडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एएमडी में भी आएगा, एएमडी में कोई अलग से थोड़ी ना कोई क्वेश्चन लेकर के वो लोग आ जाएंगे। बी 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 सभी का आंसर आ रहा है बी, तो हाँ सही जवाब है। यहाँ पर हमारा जो स्थायी अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भैया स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष हमारे सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे बता दो भाई। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है, तो भैया वीडियो कुछ कर दो शेयर दबा के और लाइक ठोक दो, लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, इतने कम लोग होते हो ना तो डिमोटिवेशन होता है भाई, है ना। कल ऐसे ऐसे बातचीत करने के लिए लाइव आ गए थे, तो लाइव में इतने लोग आ गए, 60-70 लोग आ गए सिर्फ बातचीत करने में, और जब पढ़ा रहा हूं तो उसमें नहीं है, है ना। नितिन राठौर कह रहे हैं सर इसे कॉपी पर लिखना है। बेटा कॉपी पर मत लिखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर ये पीडीएफ आपको हम दे देंगे। ठीक है, हरिओम धाकर कह रहे हैं क्वेश्चन क्या थे वो बताओ चाचा जी, जो पेपर हुआ था वो तो मेरे बच्चे भतीजे, इसमें क्वेश्चन क्या था, तुम पेपर देकर क्या तुम्हें वही पता है क्वेश्चन क्या था, है हलवा जैसा पेपर आया था। ये हमारा अगले एग्जाम के लिए हो रहा है अब। ठीक है क्वेश्चन आंसर आ गया है, मुंशी जी हैं क्या सर, पूछ रहे हैं कि मुंशी जी हैं क्या संवैधानिक सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा राइट आंसर भाई बता दो फटाफट। चलो ये हमारे हैं भाई वेनेगल नरसिंह राव, ये थे भैया कौन, संवैधानिक सलाहकार। ठीक है
ये थे संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? एएमडी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है? पहले पेपर तो क्लियर हो जाने दो। ठीक है, पहले एग्जाम का जो ये लफड़ा चल रहा है वो तो शांत जाने दो। नितिन राठौर कह रहे हैं सर आर्मी जीडी का पेपर कैसे क्लियर? भाई पढ़ के क्लियर होगा और क्या होगा, पढ़ के क्लियर होगा है। एएमडी में सर संविधान से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो बेटा देखो 25 नंबर की जीके है वहां पर, अब उसमें आएगा नहीं आएगा, लेकिन हमें पढ़ना तो सब कुछ है ना। इस तैयारी से कि नहीं आया था, अगर तैयारी नहीं करेंगे तो जो आया था वो भी छूट जाएगा, है ना। बताओ भाई 6 नंबर का आंसर बता दो क्या होगा। आंसर आ गया है कोमल संधु का ए, शैलेन मौर्य का सी, पुरुषोत्तम सिंह का ए आ गया है। भाई नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि नीति आयोग ने यह पास कर दिया वो पास कर दिया। ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, समझ गए। चलो नीति आयोग का अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या जिसे मसौदा समिति कहा गया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई, एकदम हलवा क्वेश्चन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, ये तो आंख मूंद के आंसर लगा दोगे। शिवम कुमार जय हिंद गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू मेरे बच्चों, सभी लोग को भाई बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल सही बात कही सर, रीजनिंग आपके एएमडी में रीजनिंग के 6-7 क्वेश्चन आ गए, तो पॉलिटिक्स तो जीएस का पोर्शन खा लिया उन लोगों ने, है ना। आप जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो बेटा, यही है जीके के इंपॉर्टेंट, पॉलिटिक्स के 75 क्वेश्चन है और गारंटी है यहां से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ रहा है, सी आ रहा है, तो भैया बिल्कुल सही जवाब है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, आंसर सिर्फ 2-3 लोग दे रहे हैं, आंसर सिर्फ 2-3 लोग दे रहे हैं, बाकी तो बस फर्जी टाइम पास कर रहे हैं ना, बाकी सब फर्जी टाइम पास कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? राज्य विधानसभा कह रहा है भैया, राज्यसभा नहीं कह रहा है, ध्यान रखना, राज्य विधानसभा। 17 क्वेश्चन कोमल संधू कह रही हैं, 17 क्वेश्चन थे जीके का सर एमडी में, तो बेटा 17 क्वेश्चन थे, 25 आने थे, तो 8 क्वेश्चन की कमी आई, वो कहां से पूरा किया, वो यहीं से तो नहीं आए। रेसर राहुल कह रहे हैं जय महाकाली, भैया जय महाकाल, है ना। चलो फटाफट बताते रहिए भाई, नितिन राठौर का आंसर आ गया है सी, फटाफट तो भाई आंसर, वीडियो को शेयर कर दे, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो ना तो एकदम दिल टूट जाता है भाई। नितिन राठौर का सी आ गया है, जसवंत गोलिया का आंसर ए आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का बता दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूजा गुप्ता का आ गया है सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पूजा गुप्ता, बहुत बढ़िया आंसर आया है आपका। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा में जो न्यूनतम संख्या होती सदस्य संख्या हो सकती है वो 60 हो सकती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इंदिरा बनर्जी, एम फातिमा बीबी, आर भानुमति या सुजाता वी मनोहर? क्या है भाई राइट आंसर इसका बताइए। ऑप्शन आ गया है रेसर राहुल का बी, इंडियन डिफेंस सर का आ गया है 2, शिवम कुमार का सी, पूजा गुप्ता का है आंसर बी, फातिमा आ गया है आंसर, नितिन राठौर आंसर ए बता रहे हैं। तो भैया राइट आंसर हमारा हो जाएगा, पंकज तिवारी आंसर दे रहे हैं बी, कोमल संधु बी, मुदित प्रताप का आंसर आ गया है बी, महाकाल आर्मी का भी, शिवम कुमार भी, महाकाल आर्मी, महाकाल। तो भैया सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, फातिमा बीबी।
ठीक है, ये हमारे जो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला कह रहा है ईवीएम का पूर्ण नाम क्या है। ईवीएम वोट देने जाते हो ना ऐसे अंगूठा दबा करके, ठीक है, अभी हाल ही में गए होगे सब, फिर बवाल कह रहे थे कि बटन यहां दबाया वोट वहां पहुंच गया, है ना। ईवीएम सभी लोग जानते हो, ऐसी मशीन होती है, ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं, यहाँ पे ऐसा बीजेपी का उम्मीदवार होता है, यहाँ पे कमल बना रहता है ऐसे करके, यहाँ पे फिर पंजा बना रहता है, ऐसे जाके बटन ठप्पा दबा देते हो, वही है ईवीएम। भाई सबका आंसर आ रहा है इलेक्शन वोटिंग मशीन। ऑप्शन भी दे रहे हैं जसवंत गोलिया, आंसर ए बता रहे हैं। बाकी लोग आंसर दीजिए भाई क्या होगा। पूजा गुप्ता का आंसर डी आ गया है, रेफर राहुल का ए आ गया है, नितिन राठौर का आंसर जी के क्लियर करवा दो बेटा, करवा तो रहे हैं, तो किसी का आंसर ए है किसी का आंसर बी है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सर का आंसर सही है भाई, देन का डी। डी क्या होगा भाई, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ना कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ना इलेक्शन और ना एवेंशियल, ये होता है हमारा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उस दिन कुछ लोग एटीएम में ऑल टाइम मनी बोल रहे थे ना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। अरे यार इतना हलवा क्वेश्चन, इतना हलवा क्वेश्चन आ गया है, बताओ। और ये एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है भाई। बहुत कम लोग हैं वीडियो में, वीडियो को शेयर कर दो यार, नहीं तो बंद कर दूंगा क्लास, है ना। बताओ भाई क्या होगा, महाकाल आर्मी, यस सर नहीं, आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है, अंतिम रूप से पारित, बताओ भाई। 11 नंबर क्या होगा, 11 का आंसर आ गया है सी आ गया है। सर मैथ की क्लास कब होगा, बस मैथ का भी जल्दी होगा, शुरू करेंगे, ठीक है। अमरेंद्र बाहुबली सी, FB इंस्टा पर ये कर लेंगे, हाँ सही बात है, ऑप्शन सी आ रहा है भाई, सी आ रहा है, सभी का आंसर सी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। भैया जब संविधान पारित हुआ था तो वहां पर थी हमारे पास में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, और कितने भाग थे, कितने भाग थे कमेंट करके बता दो। जावेद अहमद आ गए हैं भाई, भाई आप लोग मोरल डाउन कर रहे हो, आंसर नहीं दे रहे हो और लोग जुड़ नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, 2 वर्ष 7 माह 13 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 21 दिन। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन कोमल संधू का दूसरा आ गया है, सेकंड एनआईएम का सी आ गया है, पंकज तिवारी का 22, अच्छा 22 भाग बता रहे हैं, जसवंत गोलिया का बी आ गया है, पंकज तिवारी का बी आ गया है, नितिन राठौर का आंसर बी आ गया है, कोमल संधू का बी, सभी का बी आंसर है भाई। तो भैया संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 11 18, ये सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान लागू हुआ था, भाई देखो यहाँ लागू हुआ पूछा है, यहाँ पे बनना नहीं पूछा है, लागू कब हुआ ये पूछ रहा है। क्या होगा राइट आंसर फटाफट, तो 13 नंबर का क्वेश्चन, आंसर देने के लिए बस 10 सेकेंड का टाइम है, आंसर दे रहे हैं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 12 13 का दो भाई, अभी पीछे ही पड़े हो सब लोग, स्लो चल रहा है क्या नेट तुम लोगों का। बताओ भाई फटाफट बता दो क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया है, कोमल संधू का ए आ गया है,
जसवंत का ए आ गया है, पंकज तिवारी का ए है, महाकाल आर्मी का ए है, ए है सभी का आंसर। नितिन राठौर डी, डी कहां से लगा दिया बच्चे, डी कहां से कर दिया, संविधान लागू लागू हुआ था भैया 26 जनवरी ऑप्शन ए है, 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को बनकर, अभी मैंने पहली ही क्वेश्चन में बताया कि इस दिन बनकर तैयार हुआ था और इस दिन लागू हुआ था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, आंसर वहां राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, महिला सदस्यों की संख्या पूछ रहा है संविधान सभा में, 10, 12, 13 या 15, क्वेश्चन नंबर 14 बता दो फटाफट भाई, वीडियो को शेयर कर दो, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो भाई, वीडियो को शेयर कर दो भाई, बता दो फटाफट क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, शुक्रिया शुक्रिया, बताइए भाई राइट आंसर बताइए, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14, कोमल संधु का आंसर आ गया है बी, अमरेंद्र बाहुबली भी कह रहे हैं बी, जावेद अहमद भी बी कह रहे हैं, नितिन राठौर डी कह रहे हैं, बाकी सभी का ए बी ए बी ए बी आ रहा है। तो भैया नितिन आपका आंसर एकदम करेक्ट है, हमारा भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो सदस्य संख्या थी वो 15 थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है भाई, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद, क्या होगा भाई राइट आंसर बता दो फटाफट भाई, राइट आंसर बता दो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या फिर राज्य के निदेशक तत्व या सभी अनुच्छेद। पूजा गुप्ता का आंसर आ गया है ए, जसवंत का ऑप्शन आ गया है बी, एनआईएम को आ गया है ए, पंकज तिवारी का भी आंसर ए आया है, बताते चलिए भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, एग्जाम हो गया है एएमडी का तो सारे सो गए हैं, अगला एग्जाम लग रहा देना नहीं किसी को है, किसी को नहीं देना अगला एग्जाम लग रहा है। देखो भाई क्या होगा, देखो भारतीय संविधान को उसकी प्रस्तावना को इसको क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है, और यहाँ पे एक चीज और है और वो हमारा है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 इसे क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे भी संविधान की क्या कहा गया है, इसको कहा गया है संविधान की आत्मा एवं हृदय, संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया, किसने कहा था ये कहा था बी आर अंबेडकर ने, ठीक है याद रहेगा किसको, आर्टिकल 32 को, क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसमें बताया गया था, ठीक है। एनआईएम कह रहे हैं कल नेवी का पेपर है भैया, जाकर के देख के आओ, आप एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो, ठीक है समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अब तो क्लियर दिख रहा है ना, जो आपको समस्या थी कि सर दिख नहीं रहा है, आई होप कि अब आपको सबको क्लियर दिख रहा होगा एकदम बढ़िया तरीके से। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिए। मेरी एकेडमी, क्वेश्चन आया है सर आपकी एकेडमी कहाँ है, भाई एकेडमी जो हमारी है ये हमारी एकेडमी लखनऊ में लोकेटेड है, जो भी लोग बाहर से आकर के या लोकल के तैयारी करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नंबर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आर्मी जीडी, एसएससी जीडी, रेलवे, बैंकिंग, आपको सारी चीजों की तैयारी आपको करवाई जाती है, ठीक है, आर्मी, रेलवे, यूपीपी,
सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। बाहर के बच्चों के लिए हॉस्टल और मेस फैसिलिटी अवेलेबल है। क्या होगा, भारत है एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आंसर क्या आ गया है, आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर भाई सभी का आ रहा है महाकाल आर्मी का, ए आ गया है, ए आ गया है, ए आ गया है, ए आ गया है, हिंदू रा ये ए आ गया है। आशुतोष भदौरिया कह रहे हैं ऑप्शन बी हिंदू राष्ट्र। अरे नहीं भैया, हिंदू राष्ट्र नहीं है, लग रहा है बीजेपी वाले हो क्या, ज्यादा कट्टर हो भाई। हिंदू राष्ट्र नहीं है, हमारा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। ठीक है आशुतोष, समझ गए आशुतोष भदौरिया, हिंदू राष्ट्र नहीं है। चलो अगला देखो, मुदित प्रताप आ गए भाई, बहुत बहुत स्वागत है भाई, आ गए बड़ी जल्दी आए। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, अब थोड़ा सा निकल गया फ्लो फ्लो में। ठीक है, नहीं थोड़ा सा कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी विशेष जो मतलब थोड़ा करते रहते हैं हिंदू राष्ट्र करके, तो क्लियर करना जरूरी था भाई, हमारा संविधान है वो हमें देता है कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है ना, तो ये चीज थोड़ा कंफर्म करना जरूरी था क्योंकि ऑनलाइन में काफी प्रोपेगेंडा चलाया जाता रहता है, उसके लिए मैंने स्पेशली बोला। चलिए आ जाइए फटाफट, आंसर आ गया भाई सभी का बी 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 बी, सभी का राइट आंसर बी आ रहा है, 26 नवंबर 1949 भैया राइट आंसर है, 26 नवंबर 1949। मेरा मकसद किसी भी पार्टी विशेष को किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, ठीक है, मैंने बस जानकारी के लिए बताया और उसको मजाक में ही ले। ठीक है चलो, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक, व्यापक मतलब क्या होता है, बड़ा, व्यापक मतलब होता है बड़ा, व्यापक संविधान किस देश का, यानी सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा, ठीक है, जो लिखित भी है और बड़ा भी है, तो ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बता दो भाई, सभी लोग बता दो भाई फटाफट, शेयर करते जाओ और आंसर को बताते जाओ। नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र, हाँ बिल्कुल नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। चलो आंसर बता दो भाई क्या रहा है, आंसर बी आ गया है सभी का। एस के भाईजान भाई ए बता रहे हैं ब्रिटेन का, बाकी सभी का आंसर भी आ गया है, अपना भारत, अपना प्यारा भारत, अपना महान भारत है ना, हमारा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो कि है भारत का, ब्रिटेन का हाँ कहते हैं ये अलिखित संविधान है ना, ये अलिखित है। ठीक है, और अमेरिका का जो है वो है हमारा लिखित संविधान लेकिन सबसे छोटा संविधान है। ठीक है चलो अगला देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अभिभावक, अभिभावक मतलब क्या होता है, अभिभावक मतलब होता है गार्जियन या पेरेंट जिसे हम कहते हैं, बताओ भाई क्या होगा, जैसे आपके गार्जियन होते हैं तो क्या करते हैं वो, आपको बचाते हैं ना, आप लड़ाई झगड़ा मारपीट करके आते हो तो आपकी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं है ना, हमेशा आपके लिए, आप गलत भी करके आते हो तो भी सही करके आते हो, तो भी फीस वगैरह पे करते हैं, हर एक चीज आपका ध्यान रखते हैं, तो वैसे ही भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होगा, आंसर आने लगा है भाई, किसी का सी आ रहा है, कोई ए दे रहा है, पूजा गुप्ता का आंसर ए है, शैलेन मौर्या का आंसर सी है, नितिन राठौर का डी है, पंकज तिवारी आंसर दे रहे हैं एस सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और अमरेंद्र बाहुबली सी दे रहे हैं, कोमल हिंदू सी है। क्वेश्चन आया है सर गर्ल्स के लिए हॉस्टल है क्या, हाँ जी गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है, ठीक है सभी के लिए हॉस्टल है, बाकी आंसर नितिन राठौर का 4 आ गया है, अनिकेत आर्मी बॉय का सी है, पूजा गुप्ता का ए है। तो भैया देखो यहाँ पे क्या होगा, संविधान जो भारतीय संविधान का अभिभावक है वो राष्ट्रपति नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं भारतीय संविधान का अभिभावक, और यही इसी को हम कहते हैं कि ये इसका जो व्याख्याकर्ता भी इसी को मानते हैं,
ठीक है, कि अगर कोई ऐसी लाइन अगर कुछ भी कभी फंसेगी संविधान में तो ये जो उसकी व्याख्या करेंगे वही सही मानी जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। बागेश्वर धाम ऑफिशियल फैन पेज, अगर ये बागेश्वर धाम गुरु जी आप आ गए, जय हो जय हो, जब तक सही थे तब तक नहीं आया, लेकिन आज ही के दिन कुछ हुआ और आज हम हमारे यहाँ आ गए। आईटीबीपी का क्लास पूछ रहे हैं, जी हाँ आईटीबीपी का क्लास चल रहा है, आईटीबीपी सीआरपीएफ का जो फॉर्म आया हुआ है सीआरपीएफ का भी चल रहा है, ठीक है, और साथ में बीएसएफ का भी बैच हमारे यहाँ चल रहा है, आर्मी जीडी क्लर्क का तो एनए सेपरेट बैच चल ही रहा है, उसके अलावा यूपीपी आईटीबीपी सीआरपीएफ और बीएसएफ सारे बैच हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आंसर बता दो भाई फटाफट क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का, कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा, वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। 20 का आंसर सभी लोग दे रहे हैं, ए ए ए ए ए ए सभी लोग ए दे रहे हैं। यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं रीना जी की, सर यूपी पुलिस की तैयारी होगी क्या, जी हाँ बिल्कुल यूपी पुलिस की तैयारी होगी, बहुत जोरदार तरीके से तैयारी होगी, ठीक है, यूपी पुलिस की तैयारी बहुत जबरदस्त कराई जाएगी आपको, यहाँ पे डेली 6-7 घंटे क्लास आपको मिलेंगी, हर एक चैप्टर या हर एक सब्जेक्ट की क्लास रहेगी, ठीक है, और वो भी अनुभवी फैकल्टी के द्वारा आपको क्लास यहाँ पर दी जाएगी जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, ठीक है, तो आप आ सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। भाई देखो पता है भाई मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार क्या है, वह मताधिकार 18 वर्ष है भाई, पता ही है सभी को, इसमें क्या इतना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च है, भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या धर्म, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बता दीजिए भाई, 21 का राइट आंसर बता दो, और भाई वीडियो को शेयर कर दो, इतनी लेट जुड़ रहे हैं सभी लोग, सब खाना ना खा के आए हैं अच्छे से कि लेट के देखेंगे बस। बागेश्वर धाम ऑफिशियल फैन पेज रहे हैं कि सर एएमडी का क्या होगा, भैया एएमडी का तो अब बाबा जी ही जाने क्या होगा, है ना, एएमडी का पेपर वेपर पे देखो, पेपर लीक होना और सर्वर में प्रॉब्लम होना दोनों अलग बातें हैं। जो लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, लीक हो गया, नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, एक्चुअली सर्वर प्रॉब्लम था मेन, जो कहीं टाइम पे बंद हुआ कहीं बंद नहीं हुआ, और लीक जो कह रहे हैं नकल, तो हाँ कई सेंटर्स पे ढिलाई रही है, तो वो मैनेजमेंट की गड़बड़ी है, ठीक है, तो जल्दी ही इस पे कोई जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, कोई ऑफिशियल इनका आता है डिसीजन, वो हम आपको तुरंत बताएंगे क्या ऑर्डर उन्होंने दिया है। चलो कह रहे हैं एएमडी का बजरंग बली बताएंगे, हाँ जी बिल्कुल वही बताएंगे, और तो कोई सहारा नहीं है। क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया है 21 का, ए आ गया है संसद, कौन कह रहा है भाई, एस के भाईजान अमरेंद्र बता रहे हैं, बी आंसर बता रहे हैं अमरेंद्र, ठीक है, अभिषेक भी बी बता रहे हैं, ऋषभ भी बी बता रहे हैं, बी बी बी, देवेंद्र सिंह ऑप्शन बी बता रहे हैं, भाई कहाँ गए सभी लोग, इतने कम आंसर, बस चार लोग बस वही आंसर दे रहे हैं, राजा राम पासवान ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब राजा राम आपका, बहुत बढ़िया। भाई देखो भारतीय राज व्यवस्था में जो सबसे सर्वोच्च है वो संविधान है, संसद भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं है, और धर्म भी नहीं है, ठीक है, चलो क्योंकि ये सारे लोग काम करते हैं संविधान के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। बेटा कोमल संधू ऑप्शन बी कैसे, पूजा गुप्ता फिर वही गलती ऑप्शन बी, एनआईएम नहीं भाई, संविधान होगा राइट आंसर, सबसे सर्वोच्च ये है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है, यानी कि कहां से लिए गए हैं नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं ये पूछ रहा है, तो बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बता दो भाई, सी आ गया है भाई आंसर, ऑस्ट्रेलिया दिया है आंसर भाई किसी ने, 22 का बता दो भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर,
नितिन ऋषभ कहाँ से ले गए हैं भाई? कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से? ऋषभ ठाकुर का सी आ गया है, आकाश धाकड़ का सी आ गया है। चार होगा क्या सर? यानी कि आयरलैंड। भैया हम बता देंगे तो आप क्या बताओगे, आप ही बताओ ना पहले। तो चार दे रहे हैं भाई बागेश्वर धाम बाबा जी। देवेंद्र सिंह ए बता रहे हैं, अनिकेत आर्मी बॉय बी बता रहे हैं, और कोमल संधू डी बता रहे हैं, अमरेंद्र वर्मा बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली सी बता रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, चार होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो भैया ये बता दो फटाफट कि किस आर्टिकल में ये इनको रखा गया है, किस भाग में रखा गया है, फटाफट बता दीजिए भाई। ये है हमारे भाग चार में, नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है भाग चार में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर हम साइंस इंग्लिश टीचर पॉलिटिक्स। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? कई बार बताया है, क्वेश्चन आया है कि सर यूपीपी की तैयारी के साथ क्या फिजिकल की भी तैयारी? हाँ जी बिल्कुल, फिजिकल रिटेन एवरीथिंग सारी तैयारी आपको हमारे यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, आप ज्यादा जानकारी के लिए दिया गया नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करें, आपको सभी जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, 8604719945 कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, फिजिकल प्लस रिटेन डेली मॉक टेस्ट सारी चीजें। ठीक है, बता दो भाई क्या होगा? मौलिक कर्तव्य भैया जो लिया गया है हमारा, ये लिया गया है रूस के संविधान से। देखो मौलिक कर्तव्य और अधिकार में ही आप लोग फंसते हो बागेश्वर धाम जी, फिर वही बात आ गई। अमेरिकी संविधान से भैया मौलिक अधिकार लिया गया है। अभी परसों की क्लास में बताया था कि मौलिक अधिकार आ मतलब अमेरिका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा। देखो ये क्वेश्चन अभी बीएसएफ के एग्जाम में पूछा गया था, मैंने बताया था समवर्ती सूची कहां से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या ग्रेट ब्रिटेन? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बता दीजिए भाई फटाफट। 24 का आंसर बता दीजिए भाई, क्या होगा 24 का राइट आंसर? समवर्ती सूची कहां से ली गई है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से या ग्रेट ब्रिटेन से? कहां से लिया गया है भाई? ऑप्शन बी आ रहा है, श्रेया का मैसेज आ गया है, हेलो हेलो भैया हेलो। ऑप्शन बी मुदित प्रताप का बी है, कोमल संधू का बी है, पंकज तिवारी का बी है, श्रेया का बी है। ठीक है, ऋषभ ठाकुर पूछ रहे हैं सर आप आईटीबीपी की क्लास लगाते हो? हाँ जी बिल्कुल, आईटीबीपी की क्लास चल रही है हमारे लखनऊ सेंटर पर, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो आकर कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, शिव कुमार कह रहे हैं कि एमडी में सब कुछ नहीं आया, रात भर जाग कर पढ़ना पढ़ा मिला ही नहीं। बेटा ये किस्मत की बात होती है ना। अब एग्जाम में अब देखो 25 नंबर आपके जीके के थे, 25 मैथ के थे, 25 आपके कॉम्प्रिहेंशन के थे। अब अगर 25 मैथ की जगह पे अगर इसमें 8 क्वेश्चन रीजनिंग के ऐड कर दिए जाएंगे तो ये कहां से, कहीं ना कहीं से तो कम होंगे ना। अब ये तो डिपार्टमेंट ने कर दिया, ये नियुक्त तो उन्होंने दी नहीं है ना। अब पेपर अगर हम बना रहे होते तो हम पूरा इसको एक अच्छे से पूरा स्ट्रक्चराइज करके बनाते कि 25 जीएस के हैं तो भैया 5 हिस्ट्री के डाल दो, 5 पॉलिटी के डाल दो, 5 जियोग्राफी के डाल दो, 5 करंट के डाल दो। ठीक है, ये और जो बाकी 2-3 वो स्टैटिक पोर्शन आपका आर्ट कल्चर वगैरह से डाल दो, बाकी 2-3 कुछ और ऐसे डाल दो, तो हम उसको अच्छे से बनाते। अब जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसमें हम क्या कर सकते हैं? जब उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन ही नहीं आया तो क्या करोगे? ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो दिया था ना उन्होंने कि हम ये पूछेंगे। ठीक है, जीके कम था बेटा, वही बात बता रहा हूँ, जीके कम था। अगर इस 25 में 8 नंबर माइनस कर दोगे तो
तो कुछ ना कुछ तो कटेगा, है ना। चलो तो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है भैया ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग में नीति का क्या अर्थ है, NITI, नीति आयोग में नीति का क्या अर्थ है, नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसेंडिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रैकिंग इंडियन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या होगा राइट आंसर 25, बता दो भाई क्वेश्चन नंबर का आंसर फटाफट बता दीजिए। और भैया वीडियो को शेयर कर दो यार, आप लोग कर नहीं रहे हो। आंसर आ गया है अनिकेत आर्मी बॉय का, डी गुरुजी। ऋषभ ठाकुर कह रहे हैं ITBP की ऑनलाइन क्लास लगाते हो, बेटा देखो ऑनलाइन क्लास अभी आपको डेली मिल रही है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी आप तैयारी करते रह सकते हैं। हाँ स्पेशल कोई अलग से बैच नहीं है ITBP का, क्योंकि उतने बच्चे तो है नहीं, आना क्या है, वही तो आना है, ठीक है। चलो फटाफट बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर। तो भैया 25 का आंसर दो, तुम लोग आंसर कम बात ज्यादा करने लगते हो। शिवम कुमार का आंसर आ गया है डी, तो भैया सही जवाब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हमारा होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय यानी कि भाग, भारतीय संविधान में कितने अध्याय यानी कि भाग विभाजित किया गया है, कितने अध्यायों में या भागों में, तो क्या हो जाएगा 16, 24, 25 या 22, भारतीय संविधान को कितने अध्याय में विभाजित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 बता दो भाई फटाफट क्या होगा राइट आंसर। देवेंद्र सिंह का आंसर आ गया है डी, श्रेया का आ गया है भाई मुझे NDA की तैयारी करनी है, भैया बिल्कुल करिए। ऋषभ ठाकुर आ गया है 21 का सी, भैया बड़ी पीछे चल रहे हो ऋषभ ठाकुर, क्वेश्चन यहाँ 26 करवा रहे हैं तुम 21 का बता रहे हो। अनिकेत का बी आ गया है, शिवम कह रहे हैं चुपचाप क्लासेस करो जो कर रही हो, श्रेया को अरे डांटो वाटो नहीं भाई। पूजा गुप्ता का आंसर 2 आ गया है, राजा राम पासवान का आंसर डी आ गया है, पूजा गुप्ता आंसर 2 दे रही हैं। क्या होगा भाई 26 का, देखो भारतीय संविधान को 22 भाग में विभाजित किया गया है, ठीक है कितने हैं 22 भाग। चलो अगला क्वेश्चन भाई, 16 कौन बता रहा है, कहां पढ़ लिए भैया 16, कंफ्यूजन होती है तो भाई 22 और 25 में होती है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया, अभी बताया था कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, बता दो भाई फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, बताओ भाई फटाफट बताओ क्या होगा राइट आंसर, दबा के आंसर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा राइट आंसर, आंसर आ गया है पूजा गुप्ता का बी आ गया है, पूजा गुप्ता का आंसर बी आ रहा है भाई, और कोई आंसर नहीं दे रहा, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। ITBP में हाइट कितना, अरे बेटा हाइट वाइट का नोटिफिकेशन तो दे ही रखा है, ऊपर वीडियो मिल जाएगा लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें देख लो सारी चीजें उसमें डिटेल में बताई हुई होती है, अब याद नहीं रहता है कि कितनी हाइट किसमें ले रहे हैं ना, देख लो डाल दो उसे। आंसर 27 का गया है भाई, सी कौन दे रहा है ये एनआईम, आशु जांगीर ऑप्शन बी दे रहे हैं, ठीक है शिवम कुमार 4 दे रहे हैं। तो भैया अभी बताया था नीति निर्देशक तत्वों को, तो क्या ध्यान कान तो कहीं और ही रहते हैं, ध्यान तो कहीं रहता ही नहीं है क्लास में, ध्यान लगा हुआ है तुम लोगों का ITBP और उसमें, और यहाँ क्लास चल रही पॉलिटी की, तो कहां से सही जवाब आएगा भैया, भाग 4 में अभी बताया था, ठीक है अभी बताए थे, तो
लोगों का कि भाग एक में क्या है भाई, संघ राज्य क्षेत्र दो में क्या है, नागरिकता तीन में क्या है, मौलिक अधिकार चार में क्या है, नीति निषेध तत्व चार का काम है क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 20, 21, 24 या 22? फटाफट आंसर देते रहो, एकदम खटाखट आंसर, रुकना नहीं चाहिए। श्रेया नंबर नहीं है तो ये लो भैया नंबर, ये रहा नंबर, कॉल करके एकेडमी में आप बात कर लो। ठीक है, आपको जिस भी चीज की तैयारी करनी है आपको सारी चीजें वहां पे डिटेल में बता दी जाएंगी। चलो चलो अगला बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर। महाकाल आर्मी आंसर डी दे रहे हैं, पूजा डी, अच्छा पूजा 22 बता रही हैं। ठीक है, आंसर 22 बता रही हैं, बताइए तो क्या होगा? 28 का डी हो जाएगा, वर्तमान में 22 भाषा है भैया। ठीक है, चलो अगला आंसर क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस भाग में नागरिकता अभी बताया, जस्ट अभी एक मिनट पहले पिछले क्वेश्चन वाले में ही बताया है कि कितनी भाषाएं हैं, सॉरी नागरिकता किस भाग में है। देखो बताओ भाई पंकज तिवारी, भाग एक में क्या है भाई? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, दो में क्या है और इसमें आर्टिकल आता है एक से कितना, एक से चार। इसमें क्या है भैया? भाग दो में है नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। भाग तीन में क्या है भाई? मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। और भाग चार में क्या है हमारा? नीति निदेशक तत्व। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग दो नागरिकता। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं भाई? 30 नंबर क्वेश्चन बता दो फटाफट, क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा फटाफट बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। पूजा गुप्ता का आंसर आ गया है 30 का सी। आर्मी बॉय बी बता रहे हैं, महाकाल आर्मी ए बता रहे हैं। ठीक है, ए शैलेंद्र मौर्य सी बता रहे हैं आंसर। तो भैया देखो, वर्तमान में संविधान में कुल है हमारे पास 12 अनुसूचियां। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश यानी किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है, क्या होगा राइट आंसर? 333, 343, 345 या 334, क्या होगा भाई राइट आंसर फटाफट बता दो। थोड़ा पानी, थोड़ा बता दो भाई फटाफट बता दो, फटाफट बताइए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर बी आ गया है पूजा गुप्ता का, कोमल संधू का बी आ गया है, आर अनिकेत का डी आया है। ठीक है, पूजा गुप्ता 343, तो भैया सही जवाब है आपका। ठीक है, अनुच्छेद 343 के तहत, ठीक है, हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। बताओ भाई फटाफट बता दो।
बताओ भाई फटाफट, हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन एक है मुंडक उपनिषद, मातृका उपनिषद, कथा उपनिषद या अध्यात्म उपनिषद। क्या होगा हमारा सही जवाब? ऑप्शन ए आ गया है पूजा गुप्ता का, पूजा गुप्ता का आंसर ए आ गया है भाई, मुंडको उपनिषद है ना। बताओ भाई फटाफट क्या हो जाएगा राइट आंसर, फटाफट बताते रहिए भाई, फटाफट बताते रहिए, जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? मुंडक उपनिषद पे हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? भाषाओं को क्या किया गया है, यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो इन राजभाषाओं को किस अनुसूची में रखा है? सातवीं, आठवीं, नौवीं या दसवीं? अभी इसके पहले क्वेश्चन में अलग चीज पूछी गई थी, पर इस क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में था। बताओ भाई 33 नंबर का क्या हो जाएगा? सर एक है क्या, आर्मी बॉय सी बता रहे हैं, कोमल संधू बी बता रही हैं। तीन सौ 43 सी। भैया हम 33वें क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं, आप लोग अभी 32वें पे ही पड़े हो। 33वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आठवीं अनुसूची में। ठीक है, राजभाषा का उल्लेख आठवीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? भैया क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन सारे ये पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम में जो हम आपको करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के बना दिए गए हैं, तो ध्यान से करिएगा। ठीक है भैया, मच्छर काट रहे हैं बग्गा तो भाई कटवा लो, है ना। अगर तैयारी करने के लिए इतना भी नहीं कर पाए तो फिर धिक्कार है जीवन पे, मॉर्टिन लगा लो है, और नहीं तो थोड़ा सा गुड़का लेप बना लो, और गुड़का लेप बना करके बॉडी पे ऐसे मल लो और फिर सो जाओ, एक भी मच्छर नहीं काटेगा, सीधा उठा के लेके चले जाएंगे तुम्हें। ठीक, चलो बेटा गुड़ है ना, हॉस्टल में गुड़ रखा हुआ है, अगरबत्ती खत्म हो गई है तो गुड़ ले लो, उसका ऐसा पानी में घोल के लेप बना लो, और पूरा हाथों हाथों में ऐसे करके यहाँ कान वान में सब पूरी बॉडी में लगा के आराम से जाओ, छत पे लेट जाओ। ठीक, चलो बताओ भाई आंसर तो फटाफट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज किसमें रखा गया है? अरे भैया पंकज आठवीं में तो राजभाषा है, 11वीं में है, थोड़ा सा तो क्वेश्चन ध्यान से दो आंसर है, कुछ भी मतलब। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, भाई बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन मुझे पक्का पता है गलत करके आओगे, बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 35, बरगद का पेड़, आम का पेड़, साल का वृक्ष या पीपल का वृक्ष? क्या है भाई राइट आंसर हमारा? सभी लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं, सभी का आंसर ए आ रहा है, यानी कि बरगद का पेड़ तो बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होगा? लंबाई एवं चौड़ाई, जैसे कि ये पैनल है तो देखो ये इसकी क्या है, ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है, कितना होगा लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होना चाहिए क्या होगा? ठीक है, ये इसकी क्या है, ठीक है,
लंबाई है और ये हमारी क्या है, ये इसकी चौड़ाई है। तो इसका रेशियो क्या होगा बताओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर? 3:1 नहीं सर जी, 36 क्या होगा? 3:2 होगा। 3:2 होता है, 3:2 तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब वो कपड़े प्रेस करने वाला प्रेस नहीं, ये प्रेस है, प्रेस मीडिया। ठीक है, वो समझा कि प्रेस करने वाला है, कपड़े प्रेस करेंगे, नहीं, ये प्रेस है मीडिया हमारा, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं ना। बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 37? क्या होगा क्वेश्चन नंबर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में और फिर से आएगा। ठीक है, क्या है भाई फटाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 37। 37 कोमल संधू सी बता रही हैं, ठीक है, शिवम कुमार ए बता रहे हैं, पंकज तिवारी ए बता रहे हैं, क्या होगा भाई? आर्मी बॉय 25 बता रहे हैं, आशु जागीर ए। तो भैया जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है वो आती है हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, जो कि है आर्टिकल हमारा 19। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो भैया देखो पहला क्वेश्चन क्या बना, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो कहां जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में भाई? बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर, बता दो भाई। तो तुक्का लगाया था सर, सही हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। बताओ क्या होगा भाई, राइट आंसर बता दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 38, थर्ड कोमल संधू का आंसर आ गया भाई बी, पूजा गुप्ता का आंसर बी आ गया है, बग्गा गुर्जर दिल भेज रहे हैं भाई, ये लो इसे कलेजा काट के ये लो ले जाओ भाई, तुम हमने तुमको भेज दिया दिल। आर्मी बॉय का क्या है, 51 आंसर आया है, आर्मी बॉय 51 होगा सर, पूजा गुप्ता ए, बग्गा गुर्जर राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम। चलो तो भैया ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 का ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन में हल्का सा ये है, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में, तो भैया जोड़ा तो इसी में गया है, अनुच्छेद 51 में 51A जोड़ा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, बाकी 51 51 समझ लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत ये गान नहीं है भाई, राष्ट्रीय गान नहीं पूछा है, राष्ट्रीय गीत पूछा है। बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा? स्काई यादव सी दे रहे हैं भाई, आंसर क्या होगा? विष्णु चौधरी दे तो दिया भाई, थोड़ा दिल तो हमारे पास भी छोड़ दो, पूरा दिल ले लोगे तो हम मर नहीं जाएंगे। है आंसर बी आ रहा है भाई, बी आ रहा है, बी आ रहा है, सभी लोग आंसर बी दे रहे हैं। तो भैया बिल्कुल सही जवाब है आंसर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय अगर गान की बात करें तो भाई किसने लिखा है राष्ट्रीय गान? लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और इसी में इनसे जुड़ता है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, उसे क्या कहते हैं? आमार सोनार बांग्ला, है ना, आमार सोनार बांग्ला।
ये भी लिखा है भाई हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रे भाई, अभी तो बता दिया, जस्ट अभी बता दिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अभी तो बता दिया इसको। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अभी उस दिन की क्लास में भी रिपीट हुआ था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, क्या होगा राइट आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है भाई, उच्च न्यायालय पूछा है। ठीक है, कितने हैं भाई, फटाफट बताओ। 41 का क्या होगा, ए बी सी या डी? आ गया है आंसर 25, क्वेश्चन ए आ गया, शिवम कुमार 21 बता रहे हैं। बग्गा गुर्जर कह रहे हैं भाई इस पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो प्लीज। अच्छा, तुम्हारी रिक्वेस्ट पड़ी हुई है क्या? चलो भाई कर देंगे, फॉलो कर देंगे, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ा देंगे। कितने फॉलोअर्स चाहिए बताओ, आज तुम्हारा नाम लाइव में डाल दे रहे हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स फॉलोअर्स ही बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, सभी लोग बग्गा गुर्जर को फॉलो कर दो भाई, अपनी इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो डाल दो यहाँ पर। ठीक है भैया, हमारा जो नंबर है, जो आपको अगर अकेडमी ज्वाइन करना है, नंबर हमारा है 8604 71। बार बार लिखना पड़ रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बताओ भाई कितने उच्च न्यायालय हैं भाई। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है, 25 हमारे उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ भाई, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। ये है इनकी, में इनका आईडी है मिस्टर डॉट गुर्जर अंडरस्कोर फौजी, लिख दे रहा हूं भाई यहां पे देखो, मिस्टर गुर्जर अंडरस्कोर फौजी, FOUJI भाई, फॉलो कर लो भाई इसको सभी। ठीक है, सभी फॉलो कर दो और खूब कस के डीएम करो इसको। चलो बताओ झारखंड कब होगा, झारखंड का गठन कब हुआ था भाई, क्वेश्चन नंबर 42 बताओ भाई फटाफट क्या होगा। तो भैया ये है आंसर सी, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया भाई। हिमाचल प्रदेश अभी झारखंड का हो गया, अब हिमाचल पे आ गया, बताओ भाई क्या होगा हिमाचल प्रदेश का। कोमल संदूक आ गया है आंसर सी, लव यू सर, बग्गा गुर्जर कह रहे हैं भाई लव यू टू सभी बच्चों को और तुमको स्पेशल एक अलग से, है ना। विष्णु चौधरी आंसर आया है, अनिकेत का सी है, एसके भाईजान का सी है। तो भैया बिल्कुल सही जवाब इनका सी है, सही जवाब है 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का जो है गठन हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन, गुरुजी दिल से लग रहे भैया, हम भी तो दिल से ही बोल रहे हैं, आपका दिल बाहर काट दें, हैं काटूं के बाहर। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या संसद को, बताओ भाई। 44 का कोचिंग का नाम पूछ रहे हैं। तो भैया ऑफलाइन कोचिंग दीप एजुकेशन नाम से भी है, द इंडियन डिफेंस एकेडमी नाम से भी है हमारा कोचिंग। ठीक है, चलो बताओ भाई, 40 का आंसर आ गया है, एसके भाईजान का सी आया है, प्रदीप का डी है, कोमल संधू का डी है, पंकज तिवारी का डी है। ठीक है, अनिकेत आर्मी बॉय कह रहे हैं बी है, शिवम कुमार का आंसर डी आ गया है। तो भैया क्या होगा राइट आंसर, तो इनका भी डी है वो सही है, क्योंकि नए राज्य का गठन सीमा नाम में परिवर्तन ये सब करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है सिर्फ संसद को है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था या
या क्षेत्रीय परिषद अभी मैंने बताया, ये बसवराज एस तोरलेकर। राष्ट्रपति कहां से होगा भैया? राष्ट्रपति नहीं होता है, राष्ट्रपति नहीं करा सकता, उसमें राज्य के नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन राष्ट्रपति कभी नहीं करेगा, ये हमेशा संसद से होगा, राज्य सरकार भी नहीं कर सकती। ठीक है, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 45। आंसर कोमल संधु का बी आ गया है, और किसका? पूजा गुप्ता का भी बताया मैंने। ठीक है, सर संसद को मंत्रिमंडल ही तो चलाता है, क्लियर कर दीजिए प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई संसद को मंत्रिमंडल चलाता है, पर संसद के होते हैं मंत्रिमंडल अलग चीज है, संसद अलग चीज है। संसद के दो सदन है भाई, देखो एक तो हमारा लोकसभा हो जाएगा और दूसरा हमारा राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, और इसी में एक चीज और, इसमें एक चीज और, इनका जो एक हो जाएगा राष्ट्रपति, इन सबको मिला करके जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो हमारा हो जाता है, हम कहते हैं संसद, क्योंकि यहां से बिल उठेगा, यहां पास होगा, यहां से फिर यहां जाएगा, तब जाकर के बनता है। ठीक है, तो अकेले ना ये कर सकते हैं ना ये कर सकते हैं। और मंत्रिमंडल में क्या होता है कि मंत्रिमंडल, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका सत्ता पक्ष भी है विपक्ष भी है, और यहाँ पे भी दोनों दोनों लोग हैं, तो मंत्रिमंडल में लेकिन सिर्फ सत्ता पक्ष होता है, तो इसलिए मंत्रिमंडल अलग चीज है ये, और दोनों चीजें अलग है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, तो कौन करेगा? संसद ही घटाएगा बढ़ाएगा, राज्य का क्षेत्र घटाना बढ़ाना होगा तो संसद ही करेगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति की आयु, सेवा निवृत्ति, नॉट सेना निवृत्ति, ये है यहां पर सेवा निवृत्ति, यानी कि क्या रिटायरमेंट, उच्चतम न्यायालय की पूछ रहा है भाई, ध्यान रखना उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? बताए भाई क्या है? थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा थैंक यू, शुक्रिया। क्या होगा भाई? बग्गा गुजर कह रहे हैं सर अच्छा ही पढ़ाते हैं, अरे वाह क्या बात है। 65 होगा क्या? आंसर आया है कोमल संधु का आंसर 46 का ए आ गया है, पंकज तिवारी का बी है, महाकाल आर्मी का ए है, पूजा गुप्ता का 65 है, श्रेया का भैया मन नहीं लग रहा है, भैया जाओ मन लगाओ कहीं पे, हम मन लग तो लगा नहीं सकते। ए ए ए सभी का आंसर ए आ रहा है, तो भाई बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट यानी हमारा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु होगी 65 वर्ष होगी, और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश की का सेवानिवृत्ति होगी वो हमारी 62 वर्ष पे होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य भाई क्या होगा राइट आंसर? धन्यवाद सर जी, धन्यवाद, बताओ भाई हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना? 47 क्या होगा आंसर? आ गया है भाई ए, 1 नवंबर 1966 को। अनिकेत सोनी का भाई है, ऑप्शन ए आ गया है, बाकी अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, फटाफट मैं इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट आइए भाई, जल्दी जल्दी आंसर देते रहो भाई, बहुत जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, बहुत लेट आंसर दे रहे हो। तो भाई क्या हो जाएगा हमारा? 47 का राइट आंसर ए है, 1 नवंबर 1966 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी जो लोग अगर भारत पाकिस्तान से आए और भारत में रहे, उनको नागरिकता देने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? जैसे कि भी हाल ही में पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी को हमारे यहाँ की नागरिकता दी गई थी, तो वो व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 6 में, 8 में, 9 में या
ग्यारह में एफ के भाईजान कह रहे हैं पता नहीं, अनिकेत फोर नहीं बी कह रहे हैं, महाकाल आर्मी हाँ कह रहे हैं बी, बी कह रहे हैं बी गुरुजी। क्या होगा भाई 48 का? भाई सभी लोग राइट आंसर बता दो फटाफट, बता दीजिए बिना देर करते हुए, बता दो क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा भैया बता दो फटाफट बता दो। चलो बताओ भाई 48 का क्या हो जाएगा? 48 का हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में प्रावधान है जो पाकिस्तान से भारत आते हैं उनको किस प्रकार नागरिकता वगैरह दी जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान देखो ध्यान रखना, वर्तमान में पूछा है और क्या मौलिक अधिकार पूछा है। वर्तमान में भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं बताओ भाई क्या होगा? सर एमडी का क्या हुआ फिर कुछ मालूम चला क्या? बेटा अभी कोई जानकारी नहीं है, कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पाया। ठीक है चलो बताओ भाई क्या हुआ, क्या होगा राइट आंसर? 49 का ऑप्शन आ गया है, पूजा गुप्ता 6 बता रही हैं, कोमल संधू का ए है, आयुष यादव आंसर बी दे रहे हैं भाई। ठीक है आयुष यादव बी दे रहे हैं, बसवराज 6 बता रहे हैं, कोमल संधू ए, महाकाल ए, पूजा गुप्ता ए, 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 विष्णु चौधरी सभी लोग। तो भैया मौलिक अधिकार पहली चीज कहाँ से लिए गए? अमेरिका से, बताया था अभी आप लोगों को है ना, अमेरिका के संविधान से लिए गए। वर्तमान में पूछा है, वर्तमान में 6 हैं, मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर क्या किया गया? कानूनी अधिकार में बदल दिया गया आर्टिकल 300 का में। तो अब यह क्या है? एक कानूनी अधिकार है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भाई समानता के अधिकार से क्वेश्चन नंबर 50 क्या होगा राइट आंसर फटाफट बताइए भाई, बताओ भाई क्या होगा? बताओ भाई फटाफट बता दो फटाफट, बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर। तो भैया देखो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है। ठीक है समझ गए? चतर गुर्जर सर क्लास बाद में ना, पहले हमारा एमडी सिक्योरिटी गार्डों का तो कुछ कर दो, हमारा दिल रो रहा आज। भाई बेटा एमडी का मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस में जो भी है चीजों को पता करके कांटेक्ट करके ही कर सकते हैं, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं डिपार्टमेंट का हेड होता, अध्यक्ष होता, चेयरमैन होता तो मैं कुछ करता उसके लिए, है ना, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं आपके साथ में। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? ठीक है कारखानों आदि में नियोजित करने से रोकता है 14 वर्ष से कम बच्चों को, बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर? बताओ भाई क्या होगा 51 का राइट आंसर बताओ भाई, 51 का किस आर्टिकल में कहा गया है भाई? तो ये है हमारा राइट आंसर, क्या होगा 51 का राइट आंसर, आंसर बताओ भाई। अनिकेत बता रहे हैं बी, बसवराज बता रहे हैं एक बार सी फिर एक बार बी, विष्णु चौधरी बी, भाई जो तुम्हारा हाल है वो हमारा भी हाल है, ना घर का है ना हम ना घर के हैं और हमसे भी ज्यादा परेशान सर जी हैं। हाँ बेटा परेशान तो है भी अब, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो परेशानी हम आपको दिखा नहीं सकते, है ना, मुझे आप लोगों से ज्यादा चिंता है आप लोगों के करियर की। 51 का क्या हो जाएगा राइट आंसर भैया? तो आर्टिकल 24 में बताया कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों आदि में नहीं रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार एक क्या है, अभी बताया
मौलिक अधिकार, नैसर्गिक वैधानिक या कानूनी, तो अभी बताया है। चलो अभी भाई बताया कानूनी अधिकार, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भैया प्रथम उप प्रधानमंत्री ध्यान से देखना क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, गुलजारी लाल नंदा या सरदार वल्लभ भाई पटेल, हिंदी में पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी? 53 का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर बता दो, कौन थे? आंसर आ गया है 53 का, ऑप्शन बी बता रहे हैं, पूजा गुप्ता, नहीं लेट है। अरे भाई सुसाइड उसाइड करके क्या मिल जाएगा, हमारा तो दिल रो रहा है, सुसाइड करने का मन हो रहा है और आप क्लास ले रहे हो। भैया सुसाइड करके क्या कर लोगे, क्लास नहीं लेंगे तो फिर तुम पढ़ोगे कैसे, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो अगले एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, है ना? हार जीत जिंदगी में लगी रहती है, जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, ठीक है, और जो जब आपको हार मिलती है तो हारने के बाद ही जीत का मजा आता है, हारने के बाद ही जीत का मजा आता है। न्याय होगा सभी के साथ होगा, न्याय होगा, तो भाई क्या है आयुष का आंसर आ गया है भाई, आयुष यादव का भैया आंसर सही दे रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, आर के खड़मुगम चेट्टी, सी डी देशमुख, जयराम दास दौलतराम, सी राजगोपालाचारी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर भाई बता दो फटाफट। अनिकेत का आंसर ए आ गया है, ठीक है, अभी ये लोग अपडेट करेंगे, एएमडी वालों परेशान नहीं हो, इतने भी परेशान नहीं होते हैं ना, आप लोग का तो अभी एक ही एग्जाम ऐसा हुआ है, हम लोगों का तो उस टाइम पे पता नहीं कितने एग्जाम ऐसे जो हो गए, जो लीक हो गए, जो रद्द हो गए, कुछ एग्जाम तो ऐसे हैं जो 2016 में फॉर्म भरे थे कब, अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, है ना, एग्जाम उनसे पूछो जो बच्चे ज्वाइन करने के बाद बाहर कर दिए गए, उनसे उन बच्चों से पूछो जिनको ज्वाइनिंग लेटर में नाम आ गया और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, उनसे उनका दर्द पूछो बेटा, अभी आप तो बिल्कुल पहली स्टेज पे हो। चलो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 54, 54 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पहले जो स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री थे अभिहंग राठौर का आंसर सही है भाई, आर के षणमुगम चेट्टी राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसका कार्यकाल सबसे कम था, भैया आंसर है लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर या एच डी देवगौड़ा, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर दे दीजिए फटाफट, ऑप्शन ए बी सी या डी, फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दीजिए। फटाफट बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर? लव कुछ कुशवाहा कह रहे हैं सर जी जीमेल पे पता चलेगा क्या, हाँ भाई मेल करके डालो पता चलेगा, आंसर आ रहा है चौधरी चरण सिंह, आंसर डी है पूजा गुप्ता का, कोमल संधू का डी है, देवेंद्र सिंह का बी आ रहा है, कह रहे हैं दो या चार होगा सर। चलो भाई देखते हैं यहाँ पर थोड़ी से, देखिए जो अगर बात करें ऑफिशियल की, तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम जो कार्यकाल था
वो था भैया हमारा चौधरी चरण सिंह का, जिनके नाम पे लखनऊ का एयरपोर्ट है, अमौसी एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह। 5 महीने के लिए ये रहे हैं, इनसे भी कम एक लोग का कार्यकाल हुआ, और वो थे हमारे भाई गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, इनका मात्र 13 दिन का कार्यकाल था, लेकिन ये अनऑफिशियल रहा। जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई और वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु हुई, तब ये वित्त मंत्री उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इन्होंने 13 दिन का कार्यकाल संभाला, लेकिन ये अनऑफिशियली रहा, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में साइन वगैरह किए और काम किया। ठीक है, तो ऑफिशियल, लेकिन हम इन्हें मानते हैं चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, हाँ वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये अनऑफिशियल है जी, बता रहे ये अनऑफिशियल है। ठीक है, वो अनऑफिशियल है, तो हम इन्हीं को कंसीडर करते हैं चौधरी चरण सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं भाई, अभी बताया था, अभी इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले वीडियो में दिया है भाई। सर लखनऊ एयरपोर्ट का नाम अब अडानी एयरपोर्ट हो गया है। अच्छा ठीक है, चलो भारतीय संसद में शामिल भाई कौन, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, था उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए भाई आंसर, क्वेश्चन नंबर 56 का। 56 जाओ भाई, बताओ भाई फटाफट क्या होगा। कोमल संधू का आंसर आ गया है सी, प्रदीप का सी, मनीष राणा का बी, देवेंद्र सिंह का सी, कोमल संधू का सी, सी सी सभी का राइट आंसर आ रहा है। तो भैया बिल्कुल, अभी हमने बताया था संसद में शामिल होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, ये तीनों चीजें मिलकर के संसद का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है संसद के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। अंतराल पूछा है, संसद के जो दो अधिवेशन होंगे उनमें अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना, क्या होगा भाई राइट आंसर, बता दो भाई फटाफट क्या होगा, ए बी सी डी। भाई शेयर करो, आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए, बता दो भाई फटाफट क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा फटाफट। आयुष यादव का आंसर 3 आ गया है, एफ के भाईजान 6 महीना बता रहे हैं, कोमल संधू का सी ऑप्शन है, राणा, मनीष राडा का सी है, सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं भाई, अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर, सभी को पता है भाई, फोर्स की तैयारी करने वाले लड़के हो आप, सभी को पता होगा है ना, आप सभी को एकदम बहुत अच्छे से पता है क्या होगा राइट आंसर इसका, तो इस क्वेश्चन को हम आगे स्किप करके चलते हैं। क्या होगा, सर्वोच्च कमांडर होता है भाई हमारा राष्ट्रपति, हमारा राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, तुम लोगों ने आंसर नहीं दे रहे हो तुम लोग, और हमने भी तक खाना नहीं खाया भाई, है ना, अभी हम भी खाना वाना खाएंगे, फटाफट बता दो भाई क्या होगा राइट आंसर अगला क्वेश्चन का। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21, 25, 30 या 35। नीरज गुर्जर का आंसर आ गया है 1, महाकाल आर्मी आंसर दे रहे हैं ए, यानी कि 21 वर्ष हैं, बताओ भाई क्या होगा, अनिकेत सोनी आंसर दे रहे हैं ए ए, पूजा गुप्ता का आंसर आया है डी, एसके भाईजान 30, आयुष यादव का आंसर आ रहा है ए, भैया राष्ट्रपति, कोमल संधू बी आंसर दे रही हो, ठीक है भैया राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष बताया हुआ है,
राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, समझ गए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या कोई सीमा नहीं है? यानी कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कितनी बार आ सकता है? फटाफट बताओ, फटाफट बताइए भाई, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति चयनित हो सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, 2 बार, 3 बार, 4 बार या कोई सीमा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60, बस 15 क्वेश्चन और, 75 क्वेश्चन आज करवाने थे हमें। क्या होगा बताओ भाई, क्या होगा? फटाफट, 60 का आंसर आ गया है डी, पूजा गुप्ता का, विष्णु चौधरी का डी, एफ के भाईजान का डी, डी अनिकेत सोनी कह रहे हैं ए, तो भैया डी, कोमल संधू का डी, बिल्कुल सही जवाब भाई। कोई सीमा नहीं है हमारे भारत में, तो कोई सीमा नहीं है, ठीक है, भारत में सीमा नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 61 का बता दो भाई राइट आंसर फटाफट। 61 का बी राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताओ भाई, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? राष्ट्रपति का 61 का आंसर दो भाई, अरे भैया आंसर दो फटाफट, क्या होगा बताओ भाई 61 का राइट आंसर? ऑप्शन बी आ गया है, एफ के भाईजान, अनिकेत आरबी, पूजा गुप्ता, कोमल संधु। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तैयारी भाई, बहुत बढ़िया तैयारी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम में आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लेकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से या महाभियोग के द्वारा? 10 बार ये चीजें हटाई हुई हैं, 10 बार पढ़ाया हुआ है, तो क्या होगा भाई फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव, संविधान संशोधन, कानूनी कार्यवाही या महाभियोग के द्वारा? 62 बता दो भाई क्या है, क्या होगा राइट आंसर 62 का, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए भाई 62 का राइट आंसर क्या होगा। आंसर आना शुरू हो गया है भाई, डी बता रहे हैं सभी लोग, महाभियोग बता रहे हैं, एफ के भाईजान सी बता रहे हैं, अनिकेत सोनी सी बता रहे हैं, डी, डी मनीष टाटा, देवेंद्र सिंह, अजय कुमार, पूजा गुप्ता, सभी लोग डी। भाई बिल्कुल सही जवाब है, महाभियोग के द्वारा। अच्छा, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है ना, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से? अरे भाई अभी तो बता दिया क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन अभी हमने बता दिया है आपको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को या भारत के प्रधानमंत्री को? 64 बता दो भाई, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए, एकदम दबा के धड़ल्ले से फटाफट, एकदम भड़कता भड़कता आंसर आना चाहिए। 64 का क्या होगा, राष्ट्रपति अपना चुनाव त्याग पत्र किसे देंगे? 64 का आंसर बता दीजिए भाई। विष्णु चौधरी का आंसर बी आ गया है, आयुष का आंसर ए आ गया है, बी 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 बी, विष्णु चौधरी डी बता रहे हैं, सभी लोग का आंसर बी और डी, बी और डी आ रहा है। तो भैया कल भी बताया था भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 14, 18, 16 या 12। 65, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया फंसा हुआ क्वेश्चन है, ट्रिक, हल्का सा अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़े तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 65 का राइट आंसर बता दीजिए भाई फटाफट सभी लोग। 65 का पूजा गुप्ता का आंसर आ गया है डी, अजय कुमार का आ गया है डी,
और वालान दिव्येश का डी आ गया है, कोमल संधू का डी है, एफ के भाईजान 12 बता रहे हैं, नीरज गुर्जर का डी आ गया है, अनिकेत सोनी 16 बता रहे हैं, देवेंद्र सिंह डी, महाकाल आर्मी डी, सब देखिए बस यही ऐसा ही क्वेश्चन फंसा देगा और फिर आप बैठ जाओगे। मनीष राडा का आंसर आया है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो पढ़ो, मैंने दो बार बताया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो भैया लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं दो लोगों को, जो दो होते हैं क्या एंग्लो इंडियन होते हैं, और राज्यसभा में कितने करते हैं 12 सदस्यों को, तो क्या पूछ रहा है कुल संख्या दोनों की, तो 12 × 2 = 14, तो 14 लोगों को मनोनीत करेंगे, ठीक है समझ गए भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, ऐसा क्वेश्चन आएगा और फंसा देगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए समझिए फिर आंसर दीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई, एकदम हलवा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्र प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइए भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या होगा भाई फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा, चलो बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर। चलो 65 क्या होगा भाई, प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद के सदन को बुलाने की शक्ति किसके पास है, संसद के सदन नहीं सदनों को, है ना, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है भाई, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 67 है, क्या होगा 67 का राइट आंसर, क्या होगा भाई बताओ फटाफट, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, भाई आंसर दीजिए फटाफट। आंसर भाई आ रहा है सभी का फटाफट, आंसर आ रहा है 67 का 4 है, कोई ए प्रदीप ए बता रहे हैं, अनिकेत सी, पूजा गुप्ता बता रही हैं, तो भाई संसद के सत्रों को बुलाने की शक्ति है भैया राष्ट्रपति के पास है ना, ये संयुक्त सदन की बैठक करा लेते हैं बुलाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा भाई बता दीजिए फटाफट बता दो बिना देर किए हुए, एकदम अच्छे से बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर फटाफट बताइए। सभी का आंसर आ रहा है भाई, अनिकेत सोनी डी बता रहे हैं, देवेंद्र सिंह डी, कोमल संधू ए बता रही हैं, अनिकेत सोनी, पूजा गुप्ता ए, अजय कुमार ए बता रही हैं, क्या होगा भाई राइट आंसर 68 का हो जाएगा ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पूरा नाम लिख देते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु, अभी बताया था मैंने राज्यसभा के लिए कितनी आयु लगेगी 30 वर्ष, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, वयस्क मताधिकार 21 वर्ष, ठीक। चलो आर्यन शय्यम पूछ रहे हैं भाई सर क्लास का टाइम क्या है, बेटा क्लास डेली 7:45 8 बजे तक लाइव होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई फटाफट बता दो, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष या 6 वर्ष, क्या होगा राइट आंसर बता दो भाई फटाफट। 70 का आंसर बताइए भाई फटाफट, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर बता दीजिए फटाफट बता दीजिए।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? तो ये होता है कितने वर्ष का? पंकज तिवारी, ए ए आंसर आ रहा है आपका। कोमल संधू का आंसर आ गया है 6 साल 6 ईयर। को पूजा गुप्ता बता रही हैं 5 वर्ष, लक्ष्मी मौर्या बता रही हैं 5 वर्ष, महाकाल आर्मी 5 5 5, अजय कुमार फ्रॉम पंजाब भाई बहुत बहुत स्वागत है, पूजा गुप्ता 6। हाँ भाई वही पूजा जी, 6 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सभी बच्चे समझ लो ठीक है। राज्यसभा का 5 वर्ष और लोक सॉरी राज्यसभा का 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी होती है? 71 क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। सर एएमडी सिक्योरिटी गार्ड में एग्जाम देने गया था तो पास में बैठने वाली लड़की हेलीकॉप्टर शॉट मारने वाले को सौरभ गांगुली किया था ठीक है बेटा, लड़कियों क्या है ना, लड़कियां क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट कम लेती हैं तो उनको नहीं पता है। आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता है कि भाई हिटमैन रोहित शर्मा है, किंग कोहली है, हेलीकॉप्टर शॉट धोनी मारता है, सिक्सर किंग युवराज को बोलते हो, बंगाल टाइगर दादा को बोलते हो, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन को बोलते हो, दीवार राहुल द्रविड़ को बोलते हो, है ना। चलो क्या होगा, चलो अगला क्वेश्चन बताओ भाई। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी होती है? 71 का राइट आंसर बता दो। 71 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा 245 ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितनी सदस्य नामित किए जाते हैं भाई? अभी बताया था, अभी बताया था जस्ट 5 क्वेश्चन पहले, तो ये हैं 12, बता चुके हैं तो क्वेश्चन को स्किप करके आगे चलते हैं। राज्यसभा द्वारा 12 और 2 हमारे लोकसभा के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कोरम गणपूर्ति या कोरम संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8, क्या होगा राइट आंसर बता दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर, एफके भाई जान का डी आ गया है, अनिकेत सोनी डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। तिहत्तर का 4 बता रहे हैं, सभी लोग बी बताए भैया। ये पढ़ाया है पॉलिटी की क्लास में, जो गणपूर्ति या कोरम होता है लोकसभा राज्यसभा में, ये होता है 1/10, यानी 1/10% लोग जब होते हैं इसे कहते हैं कोरम, यानी जब भी कभी अगर सदन जब चलेगा बैठक होगी तो अगर इतने लोग नहीं हैं तो फिर सत्र नहीं चल पाएगा, बैठक नहीं हो पाएगी, इतने लोग होने चाहिए कोरम को पूरा करने के लिए। जैसे मैं क्लास पढ़ाता हूँ, क्लास में 100 लोग मेरे बच्चे हैं तो 100 में से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोरम पूरा करना पड़ेगा कि ठीक है अगर 10 लोग होंगे तो ही क्लास चलेगी वरना नहीं चलेगी, तो वही चीज यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष होता है? लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 4 5 6, अभी बताया है जस्ट आपको बताया है। पूजा गुप्ता कह रही है सर गुरु जी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 73 बेटा, 73 में क्या नहीं समझ में आया? कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम, कोरम संख्या ठीक है, संसद को जब चलाया जाता है, जब सत्र चलता है, चलो बता दे रहा हूं, संसद जब चलती है, जब सत्र चलता है, अगर मान लो संसद का सत्र चलना है, वहां कोई बैठक होनी है तो उसके पहले वहां पर गिनती होगी। अगर सत्र 500 सदस्य हैं तो 500 सदस्यों का अगर 10% लोग, यानी कितना, 50 लोग अगर नहीं है तो सत्र नहीं चल पाएगा। जैसे मेरी क्लास में आप सभी लोग 100 बच्चे हो और 100 बच्चों में से मान लो बारिश हो गई, आप लोग नहीं आ पा रहे हो क्लास में,
तो अगर कम से कम 10 बच्चे होंगे तब तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर 10 बच्चे नहीं होंगे, 10 से कम होंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वही चीज है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन, अजय कुमार पंजाबी बोलो सर जी, अगर पंजाबी बोलूंगा तो बाकी हिंदी और बिहारी बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष होता है भाई, अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 74। सर यूपी से हैं, पंजाबी कैसे बोलेंगे। सर मुझे पंजाबी आती है क्योंकि मेरी स्कूलिंग पंजाब में ही हुई है, ठीक है, पंजाबी बहुत अच्छे से आती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष या 6 वर्ष, तो हो जाएगा हमारा, ठीक है, कितना, 5 वर्ष, क्वेश्चन नंबर 3। और हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना भाई, कितनी हो सकती है, कितनी है ये नहीं पूछा है, कितनी हो सकती है, तो क्या होगा, 543, 545, 547 या 552, क्या होगा भाई राइट आंसर बता दीजिए फटाफट, फटाफट बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताइए क्या होगा। चलिए भाई बताइए फटाफट क्या होगा, क्या होगा, 75 का आंसर सभी का डी आना स्टार्ट हो गया है। नीरज गुर्जर बी बता रहे हैं, कोमल संधु डी बता रही हैं, आयुष यादव 543 बता रहे हैं, मुदित प्रताप डी बता रहे हैं। भैया देखो हमने यही बताया था कि भैया कितनी हो सकती है, तो 552 हमारा करेक्ट आंसर है, इतने मैक्सिमम हो सकते हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और जुड़े रहिए इसी के साथ हमारे चैनल पर, और तैयारी को अपनी बेहतर करते रहिए। जो भी लोग ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, हमारे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वो ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी GD SSC GD एवं वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, शुभ रात्रि।